बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम पाकिस्तानियों, अस्सलाम अलैकुम पिशावरियों, अस्सलाम अलैकुम हिंकुवान। दिस इज़ योर बॉय शाह जी एंड अज असी दिल पिशोरी दी स्पेशल ई ट्रांसमिशन ते तुहाडे सारे नू खुश आमदीद कहने हैं। जनाब ये बताओ, अज दा पूरा जरा शो असी कर सी हैं जनाब, वो ईद ते वे कि अल्लाह ने बड़ी एक यू नो गम दी सिचुएशन बाद, एक बड़ा घुटन दे माहौल सी बाद, एक बड़ा टेंशन वाले स्ट्रेस वाले माहौल सी बाद अल्लाह ताला ने एक ईद उल अज़हा दी खुशी दी है। तो साने भी इनू फुल माशाल्लाह सेलिब्रेट भी किया है, तो इंशाल्लाह इनू अगे भी अज तक ला मतलब दूसरा दिन ने खैर है यार, अगला दिन भी है। जनाब उम्मीद करना थोड़ी ये ईद इसी तरह मेरे आ रही, मेरे तो खैर बड़े भी काट केस हुए, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा कि जनाब थोड़ी ईद भी इसी तरह रंगा नाल मज़ेदार खाने नाल अपने पराए वाले जाते हो कि नहीं जाते हो, रौला मौला पाया उसी ने। लेकिन जनाब मैं उम्मीद करना कि थोड़ा ये पूरा जरा ईद का जी खुशी है, जी बड़ी नहमत है, जी अल्लाह की जात ने तुहाड़े सारे नूं अता कीती है जनाब, वो अच्छे गुजरे। तुसीं मैनूं कॉल करो बाय द वे, साडा नंबर तुहाड़ी स्क्रीन ते वे, ते साडा वट्सएप नंबर भी तुहाड़ी स्क्रीन ते वे। अगर कॉल नहीं मिलती जनाब तो वट्सएप मैसेज से मैनूं टैक्सट करो, तुहाड़ा ईद किसन गुजरी है, गोश्त कितना निकलिया दुंबे चो भी रौला जी भी इस भी गल कर रहे हैं, तो तुहाड़े और कि हालात हैं मैनूं जरूर मैसेज करो अपने फीडबैक से, या बल्कि कॉल करो मैनूं भी मुबारक ईद दियो तो मैं भी तुहानूं मुबारक ईद देता जनाब। अच्छा ईद का जरा आगाज होता है बड़ा मज़ेदार जनाब, पहले नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए जिस संगी पढ़ के आया वा सारे से जरा पहला एक बड़ा बड़ा एक मिशन होता है वह होता है कसाई टूरना। ठीक है जी, हूँ कसाई मतलब डिफरेंट किस्म के कसाई फिरते पे रोड पर भी फिरते पे, लेकिन मेरे कार के सामने ही एक कार आया, उन्होंने इसी ना रोड तो ही एक त्रै चार कसाई पकड़े ने कि यार तू जरा कार आ जा। जनाब जिस संगी कसाई आया उन्होंने जिस संगी मच कोई है मतलब यरा एक होंगे ना प्रोफेशनलिज्म इज समथिंग, अगर तुहानू कम नहीं आता, अगर साल इस तुहाने एक ही दफा गां कोनी है जनाब, ऑब्वियसली तुसी गां दा बुरा हाल ही कर सो है जी जनाब, उदी खाला भी खराब हो गई है ना, वो जड़ी के कहते हैं बोठिया तो पनिया हड्डियाँ पनिया जनाब, वो हड्डियाँ भी चूरा चूरा हो गई हैं। ठीक है मेरी गल सुन यार, तू हड्डिया संग कर, तू तो छोला बढ़ा ले सारी हड्डिया का ताकि तू किसी वल वो ना हो जनाब। लेकिन एक बड़ा अहम फरीजा वे, एक बड़ा दीनी फरीजा वे जरा सारे का मतलब, अच्छा मेरा एक प्रॉब्लम है जरा मनु ना निकी इससे ज़्यादा ना बड़ी पसंद है, वजह है उसकी वजह है एकदम 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 आ जाती है। रमज़ान भी माशाल्लाह एक बड़ा बाबरकत महीना है, लेकिन तुहानू वेट करना पैंदा है। लेकिन वड़ी ईद का जनाब ये कि तुसी ना मतलब फिरते भी रहते हो, तो गोश्त की स्पेशली मनु मतलब गोश्त पसंद भी बहुत है। ठीक है स्पेशली दुंबे का गोश्त हो मतलब क्या ही बात है। ठीक है अगर चौल हो या नाल गोश्त हो, मेरी कमजोरी है निका गोश्त, अगर तुहानू पता हो सी सारा केस का जनाब। मेरा सारा पॉइंट अज का जो शो का मकसद आया, जो शो की अब जी थीम है वो यही है कि जनाब थोड़ा ये दिन जिसंग भी गुजरते पे, लेकिन एक शायद तुमने बहुत याद रखनी है, थोड़े अगर बूहे तो कोई आ गया कि बैल वजा के यार सानू भी थोड़ा ऐसा दे दियो, तो खुदारा उन्होंने जरूर देना है। ये नहीं कहना कि जी साने बड़ा दे छोड़ा कि दिता ने बाबा डिफ्रीजर ही भर भर के तुम सारे ठीक हो गया। मैंने परसों देखा है कि खैबर बाजार जी दो चार दिन हो गए कि डिफ्रीजर की सेल बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं उनको पूछा है क्योंकि यार क्यों ये डिफ्रीजर की सेल इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है, कहते जनाब गल ये कि जी जड़ा भी अगला करता पिए और नाल ही डिफ्रीजर भी मतलब रखता पिए कि यार मैंने बाहर देना नहीं गा। लेकिन जनाब ये गरीबा स्पेशल याद करने का दिन ने जो इनकी जी गल करने कि असी शायद अपने बच्चों नूं गोश्त बताने कि देखो जी बकरे 5 किलो गोश्त निकल सी या 10 किलो निकल सी। ठीक है तरह अजकल एक और मसला भी है कि महंगाई बहुत ज़्यादा, उससे भी गल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक पैगाम जरा अपने सुनने वाले स्पेशली अपने यंगस्टर्स को देना चाहता कि यार हम लोग ना इसमें आ गए हैं कि यार गोश्त किसको देना है और गोश्त दें कि ना दें, लेकिन जरा कुर्बानी का असल मकसद है जनाब वो वे हज़रत इब्राहिम ते हज़रत इस्माइल सलाम दे जेड़े प्यो दे पुत्र दी जेड़ी गुफ्तगु आई, जेड़ा इश्क खुदा वसे उन्होंने एक खास जज्बा आया जनाब, उस जज्बे वसे अस ये कुर्बानी करने हैं। मेरे को एक कॉलर है एंड लेट मी टॉक टू हिम। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप किधर पे गल कर दो जनाब जी? मैं जमाल गल कर रहा हूं पेशावर जी। जमाल कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी आपको ईद मुबारक है। खैर मुबारक जमाल, खैर मुबारक। बताओ कैसी गुजर रही है आपकी ईद? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। आपका कैसा ईद गुजर रहा? मेरी भी बड़ी अच्छी गुजरी है। अच्छा मैंने ना जमाल
कल कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया ना, तो पूरी रात मेरा दिल बहुत जलता रहा यार, बहुत दिल जलता रहा मेरा। ये तो है ना। ये बताओ क्या 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 कुर्बान की है इस दफा ईद पे आपने? हमने बकरी। बकरी? हाँ हाँ बकरी। और कितने की मिली है वैसे, महंगी थी कि सस्ती थी? जी महंगा महंगी बकरी मिली है, सस्ती बकरी मिली है? ये तो 25,000 की थी ना, 25,000 की कीमत थी। यार जमाल इस दफा महंगाई बहुत ज्यादा नहीं थी या मुझे लग रही थी इस दफा? यार शाहजी साहब तो महंगाई बहुत ज्यादा थी। है ना, ये बात सही है बिल्कुल। हाँ छोटे छोटे बकरे थे वो 25,000-30,000 से कम नहीं थे। यार यकीन करो जमाल, मैंने एक बकरा देखा है, मतलब वो बकरा जड़ा व्यास सदकिया लोग इस्तेमाल कर दे जनाब, मैंने उस बकरे की कीमत पूछी है तो वो कहता है 22,000 रुपए, मतलब वो इतना छोटा सा बकरा था वो। हाँ मैंने भी इसकी एक कीमत पूछी थी, वो छोटा सा था, इस पर कुर्बानी भी नहीं हो सकता था। बिल्कुल, वो अक्सर ना शादियां थे। जमाल बहुत शुक्रिया जनाब, आपने कॉल किए, हमें कॉल करते रहा करें, बहुत मेहरबानी जी। मेरे को एक और कॉलर है, लेट ब्रिंग द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा, किधर पे कॉल कर दियो जी? जी एमन बुखारी बात कर रही हूँ पेशावर से। जी एमन कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत है जी? ठीक ठाक है। किधर कैसे हैं शाह जी आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। टेलीविजन फर्स्ट ऑफ ऑल ईद मुबारक जी आपको। आपकी ईद कैसी गुजरी? मेरी ईद बस जी छोड़ ही दे। मेरी अपनी कहानियां बहुत बड़ी बड़ी जनाब। पहला दिन तो बड़ा ही मसरूफ गुजरा है, अपने घर भी कुर्बानी थी, बस दोस्तों यारों वाले भी जाना पैंदा है, तो मतलब माशाल्लाह काफी अच्छी और काफी मतलब खाने पीने वाली ईद थी। आप भी कैसी गुजरी? मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी, पहली बार मेरी पेशावर में ईद गुजर रही है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा तो इससे पहले कहाँ पे गुजरती थी आपकी ईद? इससे पहले मेरी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद? अच्छा वैसे इस्लामाबाद की ईदें भी क्या ही बात है। अच्छा मैंने सुना है वैसे आपस में बैठे हैं जनाब, इस्लामाबाद में ईद पे लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं, इस्लामाबाद खाली हो जाता है, तो आपकी उस खाली शहर में ईद कैसी गुजरती थी? उस खाली शहर में आप अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव के साथ ईद गुजारे तो वो ईदें मजे की होती हैं, जो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन और जितनी भी हमारी रिलीजन एक्टिविटीज हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम सब काम करें तो सारी ईदें, हर एक फेस्टिवल हमारा अच्छा गुजरता है। अच्छा मुझे ये बताए घर में खाना वाना पक रहा है क्या? सीरे आज क्या पकाया रात को जी? आज हमने चपली कबाब बनाए। कमजोरी कमजोरी बनाई है। क्या बनाया दूसरा? दुम्बे की कढ़ाई बनाई। और अभी हम बारबेक्यू कर रहे हैं और मुझे मछली टेलीविजन से एक बहुत ज्यादा शिकवा है कि हम जब ये चैनल ट्यून करते हैं आपके लिए, आपका शो की टाइमिंग चेंज हुई होती है, हम 7 o'clock से आपका वेट कर रहे थे। यारा असल में ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन है तो ये 8 से कल भी इंशाल्लाह जनाब, मैं जितने भी सुनने वाले हैं कल भी ईद की ट्रांसमिशन 8 से 9 बजे उसी। आई मीन थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड बड़ी मेहरबानी जी तुमने कॉल की थी। जनाब दुम्बे की कढ़ाई बढ़ गई है जी, ठीक है जी, तुमने सिर्फ रोटियां लेके आनी है ते नाल ही नींबू भी थोड़ा जा पालो मैं कह रहा, ठीक है। मेरे को और एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अगर जी साहब किसी को ठीक ठाक मुजफ्फर शाह अगर जी गल पे कर दें जी। जी बिल्कुल सैयद मुजफ्फर शाह पे बोलना। अगर जी किसान को तुझे ठीक ठाक हो खैरियत है जी? मौसम बेटा सबसे पहले वडी दे हवाले ने मुबारक। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। खैर खैरियत दे नाल मतलब है कि आज ईद दा दूसरा दिन है जी। बिल्कुल बड़ा जानवर ही लेने। अच्छा माशाल्लाह ठीक है, बड़ा जानवर ही होता है तो बस वो अल्लाह दी राज देने अल्लाह कबूल करे। अच्छा मुजफ्फर शाह जी ना इस बड़े जानवर से मेरी एक कमजोरी है जी। लेकिन मनु अफसोस ही शायद आंदा मोशन बेटा की साडे इस्लामी त्योहार ठीक है जी, लेकिन जी। इस जड़े दा लोग जड़े ना वो कमाई दा जरिया बड़ा छोड़ दें। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अगर रमजान आवे ता तो कमाई दा जरिया बड़ा छोड़ दें। हाँ, अगर वडी आवे ता जे कमाई दा शामा महंगी हो जांदी है समझ गयो। इस बार उन मतलब कसाईयां ने भी जानवरों दे उते जानवर से ज्यादा लोगों दे भी छुरी रखी है। लोगों दे भी छुरी? अरे वाह क्या कहने हैं। कि जानवर नु हलाल करने दा अच्छे खासे 10,000 सी उते दा लेकिन
लद भी दे, लदा भी दे, ते लदने वाला नाल भी दे। नाल भी दे है, बिल्कुल ठीक है। वो पैसे भी लेन देन, गोश्त भी लेन देन, जी वेलकम बैक पिशावरी ते ईद दी स्पेशल ट्रांसमिशन ते दिल पिशोरी ते त्वाड़ा सा जनाब इट्स अ परफेक्ट डेडली कॉम्बो ना बस पे गल पे करने अगर जी ने गल की थी साढ़े मुजफ्फर शाह जी ने कि जनाब कसाइया ने थोड़ा जा रेट बल्कि थोड़ा जी नहीं बहुत आगे रखाया। मैं कुर्बानी ते चला गया ते के कहने जनाब जिस कसाई पे उन्होंने एक चोटी कोई ठीक चोटी समझ दे ना और ये ना कहो मैं समझ नहीं गया चोटी कोई उन्होंने तो जैसे कि मालिक जरा अगे पिछे हो कसाइया ने अपने गोडे तले मैं आप ही देखे जना इतनी वड़ी ना मतलब एक गोश्त का एक बड़ा बड़ा पीस ठीक है उन्होंने हूँ छुपाए तो हूँ छापर पर ढूंढते पे काले रंग के असी अपने उस कपड़े च पा के तो मैं एक गल वैसे मैंने शायद देख छोड़ी मैं एक गल उन्होंने की थी मैंने कहा कि तुमने मालिक से पूछा है कि जना असी ये गोश्त पर लैके जाने हैं तो ना जी असी मालिक से क्यों पूछिए ये तो साढ़ा हक बढ़ता नहीं जनाब मैंने कहा यह तुम्हारा हक इस वास्ते नहीं बढ़ता है कि तुमने बाबा इस 8-9 हज़ार रुपया लिता है ठीक है कोई शह भी देखो जी कुर्बानी की शह है लोग कहते हैं कि असं वंडिए लेकिन अगर कोई शह भी तुम लैके जाओ स्पैशली अगर कोई देखता पियो बताओ जनाब अगले से पूछना बहुत जरूरी है बिकॉज इस शह का जरा दुनियावी मालिक मुख्तार है जनाब वह मालिक है जनाब उसके कोलो पुछो कि जी मैं गोश पर लैके जाना लेकिन अनफॉर्चुनेटली लालच तो मतलब पूरा साल किधरों खाने जनाब ठीक है लेकिन वह भी एक इरस का बड़ा बड़ा एलीमेंट है जरा वह भी मैं देखा इस दफा लोगों एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जी मैं शायद तवज्जो दिलवाना चाहवा जनाब साने 90 हज़ार का वच्छा लिता है ठीक है जी 1.5 लाख की चोटी लीती है बहुत अच्छी बात है जी 2.5 लाख का ऊंट लै छोड़ा बहुत कमाल की गल है 20 हज़ार साने कसाई ने भी दिता है 15 हज़ार रुपया भी साने दिता है 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार दुंबे की भी दी लेकिन जनाब साने उस खाकरोब न एक 500 रुपए भी नहीं दिता जेड़ा आके जी आइलाइशा जड़िया जो जानवर की आइलाइशा बार पई होंगे जनाब साने किसी ने भी उस शायद मैं अपनी गल कर सा अपनी अपनी गल कर सी जनाब अगर असी उन्हों भी थोड़ी जी दे दें देंगे ताकि ये जरा सफाई का एक एलीमेंट शुरू हो सी हो बल्कि शुरू हो गया है जगह जगह तो कल भी मैं शहर गया तो कुछ कुछ मकाम थे जी लोगों ने अपने जितने भी आलाइशा आई हैं वो रखी हैं जनाब मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम सुनने वाले कि जेड़े भी ये लोग आवन इन्हों जरूर तुम थोड़ा ना थोड़ा एप्रीशिएट जरूर करो की वजह है जनाब कि ईद उल अज़हा तो बिल्कुल असं मनाने पे हैं लेकिन साढ़े बल्कि निसफ ईमान साढ़ा सफाई नाल भी मुंसलिक है लेकिन सफाई का तो हाल है कि जनाब जिथे भी दिल चाहता है उथली पे ओरिजिनल पे सटने हैं ठीक है जी जिथे पे दिल चाहता है जनाब के अपना आंता भी सटी है लेकिन नहीं साने एक बड़ी मुहज्जब तो एक बड़ी पढ़ा लिखा इंसान होने का सबूत देना है साने बताना है कि यार अगर असी अपने अपनी जी रिवायात हैं या अपनी जितनी ट्रेडिशन हैं उन्होंने सैलीब्रेट करने हैं लेकिन नहीं असी लोगों का तो इस मुआशरे का भी बेहतरीन ख्याल रखने हैं। मेरे को कॉलर हैं अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम अस्सलाम कौन साहब किधर पे गल करते जनाब हेलो इमरान पे बोल रहा हूँ कुआटसी जी इमरान भाई किसंग हो ठीक ठाक हो जी खैरियत है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक पांची कितने पहुंचाने शाह जी यार एक गल करें जी मैंने एक और काम किया था इस दफा बताना ने जिसमें कि कसाई ने पांचे लाए ना नाल ही मैं पानी गर्म कर छोड़ा जी आप ही सफा के तेरे इस दफा में हेलो हेलो जी 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 आवाज जी जी हूं पे आंदी जी जी इमरान भाई माने क्या मुन्नू तकलीफ से बचा देते ने अच्छा इमरान भाई एक दफा मैंने ना यूट्यूब से ये तरीका सीखा है कि यार इस किस्म सफा कर दे हर दफा 5:30 खराब हो जाते मैं क्या छोड़ो यार दफा आप ही सफा कर रहा तो खूब मदार सफा करा के रख छोड़े जी माशाल्लाह माशाल्लाह मैं पके हुए खो, 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 बस ये बताओ ईद कैसे गुजरी है इमरान भाई
अल्हम्दुलिल्लाह ईद अच्छी गुजरी है। और थोड़ा सीरियस टॉपिक पे बोल रहे थी ना जी जी सर, इस तरह है कि मार्केट इस दफा थोड़ी तेज है ना। बिल्कुल आई ते बड़े बड़े अच्छे फाइनेंशियली स्टेबल लोगों मैंने दिखे के ओ इज्तिमाई कुर्बानी वाल ओ कन्वर्ट होने ना। बिल्कुल ठीक है जड़े दुम्बे लेंदे है मतलब उन्होंने अपने ऐसे ऐसे पा शुरू कर जोड़े ठीक है। हेलो ओके जी कॉलर इमरान भाई बड़ी मेहरबानी तुमने कॉल की थी। मेरे को एक और कॉलर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी कौन साहब कितने रुपए गल कर रहे जनाब जी? मैं इदरीस गल करता हूं कुवात। इदरीस भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं खैरियत है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको बहुत ज्यादा ईद मुबारक जनाब। आपको भी ईद मुबारक। इदरीस भाई कैसी गुजर रही है ईद और क्या बताना चाहेंगे हमें कोई नई बात? अच्छा ठीक है तो क्या क्या पकाया है और अभी तक क्या खाया है जी? शाह जी क्या पकाया है? शाह जी मैं आपको एक बात कहता हूँ। जी जी बताए ना जी। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे आपका मोबाइल नंबर चाहिए। मेरे फैन है मोबाइल नंबर चाहिए? मैं जरूर दूंगा लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको इंशाल्लाह बाद में दे दूंगा। ठीक हो गया? बाद में दे दूंगा। ठीक हो गया? चलो इदरीस बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। बच्चे अपना बहुत ख्याल रखें जनाब। एक दफ़ा मेरे इमरान पुराने बड़ी अच्छी गल की थी कि एक दफ़ा महंगाई बहुत ज़्यादा है ठीक है। जिन्होंने दुम्बे लेंदे एक दुम्बे हाथ रखा जी 55,000 रुपया मैंने कहा जी कार चल लें छोड़ो भाजी ये तो बड़ा बड़ा वो केस हो गया। तो एक और भी मसला है इससे जो तो पाने हैं तो उससे भी इंसाफ करना बड़ा ज़रूरी है। दो पाँच तेरे दो मेरे पुछोला जी तेरी पुछोला अभी मेरी है। लेकिन जनाब अच्छी एक बड़ा अच्छा ट्रेंड एक दफ़ा उठावे कि लोगों ने काफ़ी ज्यादा इज्तिमाई कुर्बानियां थे ते हिस्से अली कुर्बानियां थे इक्तफा की तहत एक बड़ा अच्छा एक बड़ा प्यार वाला ट्रेंड भी है। मैं एक और गल इधर बड़ी एक जड़ी मनु फील हुई है बेसिकली कि जनाब व्यापारी जितने भी है मैंने कितने ही देखे उन्होंने जानवर बच गए। मैं आज बच गया मंडी ठीक है तो उन्होंने जानवर बच गए। अगर खैर 1,000-2,000 तले करके भी तुम अगर वो शह कट देंगे हो ना तो यकीन मानो अल्लाह की जात बड़ी बरकत पाती थोड़े उस रोज़गार। लेकिन यानी आओ हर एक का अपना एक फैसला वे हर एक का अपनी एक सोच है। मैं जी अज एक गल मैं शुरू की कि असी अपने बच्चों को बताने हैं कि यार ये गोश्त है ये वच्छा लेना है दुम्बा लेना है। असी ये शायद मैं बहुत अपने जितने भी पेरेंट्स में सुनते हो मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता जनाब अपने बच्चों स्पेशली इन त्रै दिनों च खाली हज़रत इब्राहिम ते हज़रत इस्माइल की जड़ी लाजवाल कुर्बानी है अपने अल्फाजों इन बच्चों जरूर बताओ ताकि एक कुर्बानी का जज्बा जनाब उन्होंने पनपदा रहे तो वो हर साल तुहाड़े से भी अगे बढ़ के इंशाल्लाह इस अहम मजहबी फरीजे को अंजाम देवन। मेरे कर कॉलर अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काशान साहब किसे को ठीक ठाक जी? मेरे भरावा नु सारे नु अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान दे मुसलमान नु अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काशान बड़ी मेहरबानी ईद मुबारक जी। ईद फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सारे मुसलमानों नु ते मेरे सारे मुसलमानों नु ईद मुबारक होवे जी सारे नु। खैर मुबारक काशान खैर मुबारक। ए बताओ के लेता ने दफा ईद च? बस जी छोड़ो बस लिता के क्यों जख्म से नमक पाने पे जी ना मैं कह रहा बता दियो कोई मसला नहीं बता दियो जी। बस जी लिता हुआ है कि बस मंगो जी पंपीरी पे छोड़ी जी। क्यों क्यों खैर हुए जी? 1.5 लाख ते 3 लाख ते 4 लाख मैंने कहा उस्ताद खैर हुए ना माफी दे कि मैंने कोई मंडी खरीदनी है। हाँ ना बाबा के इतने रेट अच्छा काशान इतने रेट आई क्यों है तुम्हारी की वजह मतलब इतने रेट क्यों आया जी आज इस दफा साड़ी वाला माफी साड़ी लोगों की फितर पे ही है कि जोड़ी त्यौहार आज हुए जड़े अंग्रेज जो उन उसी रेट अदा कर देन 50%। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है। साड़ी जड़े उन चीज महंगा कर देन खासकर रमजान पर तुझे देख लो शेयर डबल हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। ते तुआने वक्त के लिता है ते के तुआड़ी उन तक के ईद कैसे गुजरी है काशान? अच्छी गुजरी जी बस जिस का सही गुजार समरे में गुजारी सफा जड़ी गाली जी। तुआने आप ही को है आप ही को है ने जी आल जी के कर दे। अरे वाह 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 एक आखिर ते आ गया चर्सी उस्ताद आ गया चर्सी उस्ताद। अच्छा ओ मेरे भरा दो से सही जर्सी है जरूर स्पीक किया है करना नेक लटास के दरस गप करम है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है। दोनों दरस गप की दिए साथ मुंह हाथ पर से
लाजवाल कुर्बानी के बारे बताना पैसी मैं निकी जी गल करना और जुमला मैं बड़ा पसंद आ गया बेसिकली कि जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने फरजान इस्माइल ने बताया कि मैंने ख्वाब देखा है कि उस ख्वाब के हवाले अल्लाह साड़ी तो एक कुर्बानी मांगदा बड़ी अजीज शायद ही तो उन्होंने बेटे ने गल की कि अगर ये हुक्म खुदा वे तो मैं इस हुक्म खुदा नाल शुक्र अदा कर सा तो अबा जी तुसी परेशान ना हो इस हुक्म खुदा नू पूरा करो ना मैं लेना वे क्लिक जब ब्रेक एंड आई विल सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक देन ओके जी वेलकम बैक पिशावरियों ते असी पे गल करने जनाब ईद उल अजहा। अच्छा ईद उल अजहा बड़े मज़े मज़े के खाने बन रहे लेकिन मेरी जड़ी सबसे फेवरेट डिश है जनाब वो है सवेरे की कलेजी। ठीक है जिसमें कि वो कलेजी अंदर आती है ठीक है अम्मी वाद निके निके पीस बढ़ा के ठीक है बाद उत्ते नींबू या नारिंज ठीक है या स्पाइसी किस्म बढ़ा के वध पराठे नाल स्पेशली इना गर्मी है लेकिन वध में पराठा खाता है कोई मसला नहीं होता अगर तुसी कदी कदी खा लेते हो तो खैर है। ठीक है लेकिन जिसमें कि तुसी वो कलेजी दे नाल पराठा मतलब चुकते हो जरा तुहाड़ा मुझ फ्लेवर जी एक फ्रैश कलेजी का जरा फ्लेवर आता है बाखुदा मैं कहना तुसी बिल्कुल खाते रहो कोई फर्क नहीं पैंदा। एक और बड़ी वड्डी डेलीकेसी उन्हूं सी कहने पट्टे दाने अज भी मैं जासा पट्टे दाने खाने सी बाद मेरा भी पट्टे दाने का प्रोग्राम है ना वो दुम्बे की जिहड़ी वो फैट्स होंदे ने उन्हां नूं कलेजी च और रैप करके सीखा चढ़ा के जिद्दां तुसी मतलब खाँदे हो ते ओ मिठी जी के कहते यार मेरे मुझ पानी पे आंदा है मिठी जी चर्बी ते नाल कलेजी दोनों बड़ा मज़ेदार टेक्सचर मिला के ते तुहानू एक बिल्कुल ही नवी दुनिया च लै जांदे ने कि यार ये भी एक दुनिया में खाने पीने दी। लेकिन एक और ख्याल बड़ा लाजमी करो तुसी कि यार मतलब ठीक है एक गोश्त ते पिया है जाना कितने भी नहीं गा जरूरी नहीं गा कि तुसी आज ही मुकाओ नू। ठीक है जी एक कल भी खा सकते हैं परसों भी खा सी है मनु भी बुला लो मैं भी आ जा सा। ठीक है लेकिन पॉइंट ये कि अपनी सेहत का भी तुमने स्पेशली ख्याल रखना है ना हो जी दुम्बे का गोश्त पिया रहे वो ले जाना पै जाए मेरे घर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन साहिबा कहाँ से बात करी है जी? जी आसमा बात कर रही हूँ मोहसिन। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ईद मुबारक जी। ईद मुबारक आपको बहुत 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 और आपके फैमिली को भी बहुत ईद मुबारक जी। खैर मुबारक खैर मुबारक जी। अच्छा एक चाहिए तो ये ना कि इस वक्त आप अपने घर में कोई एक बड़ी दावत करके फैमिली को वहाँ बुला के आप इसको शो कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं आप सबको अकेला नहीं छोड़ सकता जी मेरी आप सबसे खास लगाव है। ये बात ठीक है ये अच्छा किया। कैसा कैसी गुजर रही है आपकी ईद और एज अ हाउस वाइफ अभी तक क्या पकाए हैं और कितना प्रेशर है मेहमानों का? यार वो है एज अ हाउस वाइफ तो ये होता है कि सीट पे सारा प्रेशर ही बेचारी बीवियों पे ही होता है। बिल्कुल सही है बिल्कुल ठीक है। और ये है कि ये तो सबकी बड़ी बिजी ईद होती है तो बस कल रात को सारा दिन हमारा काम होता है। ठीक है ठीक है। और सुबह वही कलेजी वगैरह बनती है और लेकिन फिर ये हो जाता है कि रात को फिर मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड मिलके वो बारबेक्यू करते हैं। अच्छा बारबेक्यू होता है ठीक हो गया ठीक पहले हो गया। वो सारा दिन कसाई बने होते हैं और फिर वो सारे रात को कुक भी बन जाते हैं। आप यकीन करें ना एक दफा इस तरह हुआ कि जी एक दिन मैं भी कसाई बन गया ना पिछले साल की बात है। अच्छा। जैसे ही मैंने वो छुरी पेरी है मैंने साथ ही अपनी उंगली उड़ा दी है उसके बाद मैंने किया ही नहीं उसके बाद तो बस ऐसा ही है तो बस ये होते हैं। और अभी अभी हम कहीं मेहमान जा रहे हैं। अच्छा मेहमानों का हम मेहमान बनने जा रहे हैं। अरे वाह अरे अच्छा मैंने सुना है कि साढ़े पिछोरी हैं जनाब ईद का दूसरा दिन योम ससुराल भी होता है ठीक हो गया ते आज आप जा रही हैं मम्मी के घर? नहीं मैं वैसे अपनी ससुराल जा रही हूं। अच्छा ठीक हो गया जी मैं दुआ करता हूँ कि आज आपका ये फैमिली इवेंट को अल्लाह चार चांद लगा दे ठीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी अपना बहुत ख्याल रखें एंड ईद मुबारक वंस अगेन जनाब बहुत शुक्रिया। मैं भी गल करनी जनाब आज का जो दूसरा दिन होता है ये योम ससुराल भी होता है ठीक है
मतलब ईद वड्डी होवे या निक्की होवे सोहरिया वाले जाना बहुत जरूरी है। ते नाल वाल तपची दा काटन भी चुकसो, नाल अगर बकरा कोई है ते सोहरे वास्ते बकरे दा गोश्त भी लैके जासो, क्योंकि तुहाडा जरा अक्सर जेहड़े सोहरे होंदे ने उन्हां नूं बीपी होंदा है, ठीक है, ते दुंबे दा गोश्त खांदे नहीं गे, ते स्पैशल उन्हां से बकरे दा गोश्त रखा जांदा है कि नहीं जी अज मैं सोहरे खेल पर जाना, ते उन्हां दे नाल एक निक्की जी पोटड़ी बकरे दे गोश्त दी ते नाल एक काटन मतलब लिजा के ना तुसी बोतलां दा लैके जासो, ताकि उत्थे भी जाके तुहाडे मुंह ते दिखाड़े जी कि साने भी तुहाडे ते शिरकत कीती है। जनाब ये तमाम जिहड़ी एक 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 आबो हवा कायम है, जिथे भी लंघो जिथे कोयले भी पकदे पए, किथे धुआं भी निकलदा पिया, किथे म्यूजिक लगाया, जनाब एक बड़ा अच्छा इनवायरमेंट, बिकॉज साने ना रिसेंटली एक करोना के हवाले नाल काफ़ी डिप्रेशन ते काफ़ी ज़्यादा नो स्ट्रेस गुजारा, आप गल समझते हो, हर टाइम भी टेंशन नहीं है बिल्कुल ही ना, ना कार निकलने है, ईवन मैं तो हो गया जी जो तो मैं जाना है ना इधरों, मैं अपनी चाबी नु भी धोना है, अपने पैसे नु भी धोना है जी, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक बड़ी वड्डी खुशी वत सारी इस पूरी उम्मत नु अता कीती है, मेरे कोल कॉलर हैं ते देखने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब किधर पे गल कर जनाब? वैसे बड़े अफसोस की गल है, गोश्त पे जरा खास हो रहा है। अजहर साहब किसे को जी? ठीक ठाक जी, खैरियत है जी? हेलो हेलो जी, अजहर साहब किसे को तुसी? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब, आज मुझे अफसोस है कि तुम्हारी मुझे आवाज नहीं पहचानी लगता, गोश्त को खास हो रहा है। अजहर साहब मनु लग जाए तुम्हारे लाट खा दिए तो पानी पी छोड़ा, तुम्हारा आवाज लग बैठा लगता पिया मनु। अजहर साहब तुहानू ते तुहाड़े पूरी फैमिली नू बहुत ज्यादा ईद मुबारक जनाब। बड़ी मेहरबानी जनाब, ते तुहानू ते मुबारक होवे तुहाडी सारी फैमिली नू ते मेरी तरफों सारे पाकिस्तान जितने मुसलमान पूरी दुनिया सारे नू मुबारक होवे। खैर मुबारक जनाब, खैर मुबारक। अजहर साहब ईद की एक्टिविटीज रही तुसी भी मतलब तुहाने भी हेल्प कीती है कसाई नू? यार मैं तो आप पे रहा मेरे कसाई बनाना नाम है। अच्छा आप ही? अच्छा आप ही कोई है जी? ओ यार अजहर तो खड़ी पंजरे कसाई देख के गौर से चुरा ले। अच्छा हाँ जी, हेलो हेलो, ओके जी अजहर साहब बड़ी मेहरबानी जनाब, तुमने कॉल की थी, कॉल थोड़ी ड्रॉप हो गई है, अगर ट्राई कर सकते बात गल कर रहे हैं। मैं भी गल कर रहा जनाब कि आज दा जड़ा ए दिन है और यो में ससुराल है, जरूर आपने ससुराल जाओ, लेकिन सोरे वैसे बकरे दा गोश्त ते नाल बोतला दा कार्टून तुहाने जरूर लेके जाना है, बिकॉज उस बगैर। अच्छा एक और भी गल है ना, सोरे खेले जो तो अकेले खाली हाथ वड़ सो ते कहंदे इज्जत नहीं होंदी है, कमाल गल है जनाब, ए जी हर दफा जावा ते कार्टून लेके जावा, नहीं जी तुसी जाओ जनाब, ए तुहाडी फैमिलीज दे दिन है, आपस विच बैठो, मतलब अगर कोई गिले शिकवे है भी खैर है यार, भरा भरा आपस जे बैठो, भैणा भरा आपस जे बैठो है ना, खैर एक कीमत तुसी करा लो ते गोश्त महल है जिसकी इस आपस से कंट्रीब्यूट करके कि किसी वाल बोझ भी ना पवे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी वाले बोझ भी नहीं पाना, ते इस पूरे फैमिली इवेंट नू साने बड़े मजे तरीके से एंजॉय करना है। मेरे को कॉलर हैं ते मैं गल करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बच्चा जी, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं जी? रोला जान बख्ती मर जान खबर कौन को आता जी? सिंह जी साहब दासो खे जी तबीयत ना खदी पश्तो तबीयत खोदेर खोदे बच्चा खतर बंदे ढेर अख्तर दे मुबारक शे आज काका, अख्तर दे मुबारक शे तासु ता। खैर मुबारक शे बच्चा, अल्लाह दी जवंदे सता। आमीन आमीन। अख्तर सिंह तेरी की काका स्तासु जी बच्चे स्तासु अख्तर सिंह तेरी की जी? बस जी जमा अख्तर को देर खुद तेर शो रक चे तासर मुखबर ही उकड़े। हाँ बस काका मुंग सा मुंगला पारा दुआगान कवे जी, इंशाल्लाह द टोल उम्मत अल्लाह पाक यो खास करम रागी दिख जो जी, डेरा मेरा वानी जी ब्रा पश्तो चेक की आपने बॉय की। आई एम लिविंग ऑन अ ब्रेक एंड आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक देन। ओके जी वेलकम बैक पिशावरी होते, असी पे गल करें जनाब ईद उल आजादी रंगा रंग तकरीबात है, वाह मतलब थोड़े प्रादी पश्तो भी बोली है थोड़ी जी कमजोर है लेकिन मैं गल कर सकना जनाब, ठीक है, मेरे को कुछ मैसेजेस थोड़े तो गल करें। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, ईद मुबारक टू यू एंड मशरिक टीवी ऑल मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड, योर शो इज आउटस्टैंडिंग, इट्स वेरी डिफरेंट शो, वी लव टू वॉच दिस। आयमन बुखारी फ्रॉम वर्सक रोड। अगला मैसेज है जनाब,
योर शो इज वेरी इंटरेस्टिंग, नासिर फ्रॉम पिशावर। थैंक यू नासिर, बड़ी मेहरबानी जनाब, थोड़ी खास मोहब्बत था। अगला मैंने शाह जी ये बताएं आपने क्या ज़बा किया। मैंने क्या ज़बा किया है जनाब? मैंने अपने अंदर छुपा हुआ गरूर ज़बा किया है। हसा मैंने अपने अंदर छुपी हुई यू नो बोग्स अदावतें ये ज़बा किया है, ठीक है? लेकिन नाल दुमा भी किया है, कोई मतलब नहीं। मेरे घर कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अजी साहब। वालेकुम सलाम अजर साहब, किसन को ठीक ठाक हो जी? बिल्कुल ठीक यार, काली भी टांदी है यार, वो ड्रॉप नु मेरा ख्याल इनको क्या टांदी कर देना। टांदी भैया जी जनाब, उस वक्त थोड़ी आवाज थोड़ी शरार रही लेकिन हुन थोड़ी आवाज क्लियर है। ए बताओ तुम्हारी ईद इज के मसरूफियात है जनाब? यार ईद तो माशाल्लाह बड़ी मजेदार गुजरी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आम रूटीन गुजरती है ठीक है। लेकिन तुमने हम एक तरह नु एक गल की है कि यार मनु जो जरा बड़ा जानवर है कुब बड़ा पसंद है ना, गवाब बढ़ाओ जी, बहुत मजा आंदा जी, बहुत मजा आंदा जी। मेरे से जरा बकरे का गोश्त स्पेशल रख देना जी, जरा और ठंडा होता है जी, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जनाब, तुसी आओ ते तुहानू जबरदस्त कढ़ाई बना के खवावा। बस अदर साहब अल्लाह तुहाड़ी इस कुर्बानी नु कबूल और मंजूर फरमावे। एक गल मैं मामूली जी एक छोटी जी गल कर सा यार, सर चक्कर रहवे के आ किनी गपन होए दसो जी जी। अच्छा मैंने क्या है, लोग सारी जिंदगी खाते पीते माशाल्लाह हर एक चीज किस्म की असं अयाशी करने हैं ना, ठीक है? मतलब शादियों से मैं कह रहा हूँ कि असं अपने बच्चों अच्छे से अच्छे कपड़े पाने, बीवी कहने के अच्छे से अच्छे कपड़े पावे कि प्यारी लगे, ठीक है? कुर्बानी के वार से असं पैसे के हिसाब में तो शुरू कर देने यार, कुर्बानी के वार से अं दो दो चार चार हजार रुपए के हिसाब से शुरू कर देने, अल्लाह के राह से असं कुर्बान करने ना। एक शायद बिल्कुल सही है, ठीक है जी। हर एक बंदा अपनी इस्तेताअत के मुताबिक माशाल्लाह अच्छी कुर्बानी कर दिया, चाहे छोटी कर दिया बड़ी कर दिया, ज्यादा महंगाई उस वस्ते है जरा बंदा हिसाब किताब कर दिया, ठीक है ना जी? हिसाब किताब जो बंदा नहीं करता उससे कोई महंगाई नहीं की, अपनी मर्जी का जानवर लैसे, अगर एक बंदा 20,000 से सता है तो 20,000 का जानवर लासी, तो कहना जब मुकाबले कर सो तो बात का मसला है जनाब, बात बिल्कुल मसला है, बिल्कुल ठीक है, बात मसला है, ठीक है ना जी? बिल्कुल ठीक है साहब। मेरी तरफ ईद मुबारक सर, इससे प्रोड्यूसर साहब मुझे बहुत मुबारकबाद, खैर मुबारक जनाब, खैर मुबारक, अल्लाह तुम्हें बहुत लंबी जिंदगी दे। अल्लाह साहब ने बड़ी खूबसूरत गल की है जनाब, खुदा दिए साढ़े ते बेशुमार ते ला यू नो बेहिसाब नेमतन, अगर खैर है मगर 4-5 हज़ार फर्क नहीं पैंता, अगर अल्लाह दी राज अच्छी ते खूबसूरत शय मिल जाए जनाब जरूर उसे सरफा ना करो। एक बड़ी सादत की गल है जनाब, अगर असी हिस्ट्री पढ़िए तो बा खुदा इश्क खुदा दी क्या खूबसूरत मिजाज नजर आसी, किसंग अल्लाह दी राज हजरत इब्राहिम ने अपने अपनी सारे सी कीमती शय नु अल्लाह दी राज कुर्बान कर छोड़ा, क्या खूबसूरत जनाब आगाज इश्क। अगर तुसी अगर थोड़ा जहा फलसफियाना मेरे को पुछो ये गल जनाब, आगाज इश्क ईद उल अज़हा ते इंशाल्लाह इसी इश्क दा अंजाम भी जरूर बता सके जनाब, मेराज इश्क वे, लेकिन आगाज़ इश्क जनाब क्या खूबसूरत है, ते इंशाल्लाह अल्लाह साढ़े सारे नू ए तौफीक अता दे करे कि असी इसी तरह इसी अहम दीनी फरीजे नू सर अंजाम देंदे रहिए। मेरे को और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम शाह जी, आपका शो हम बहुत शौक से देखते हैं, अपना बहुत ख्याल रखें, एंड ईद मुबारक फयाज खान अनायत। थैंक यू फयाज खान साहब, और बड़ी मेहरबानी, एंड कीप सपोर्टिंग, सपोर्टिंग कह रहा हूँ मैं, कीप सपोर्टिंग दिल मिशोरी। मेरे गुड कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब किधर पे गल कर जनाब? मैं पिशावर तो गल पे करना, अब्दुल्ला गल पे करना। अब्दुल्ला भाई जरा जी टीवी दी आवाज आहिस्ता कर दियो कि तुहाडे नाल गल हो सके जी। ओके जी, ओके जी। अब्दुल्ला भाई फर्स्ट ऑफ ऑल जनाब ईद मुबारक, बहुत तौन मुबारक हो ईद जी। हेलो, खैर मुबारक जी, मेरी तरफों तुसा भी बहुत बड़ी ईद मुबारक होवे जी। बड़ी मेहरबानी, तुसा केड़े इलाके दे हो बाय द वे? मैं पिशौर दे नोटियां दे इलाके च।
ओके जनाब, थोड़ी आवाज़ में ब्रेक होती है। बड़ी मेहरबानी अब्दुल्ला भाई, तुमने कॉल की है। बराए मेहरबानी जो भी कॉल करो काइंडली अपने रिमोट जो टीवी सेट है उसकी आवाज़ थोड़ी जायजा कर दियो, बिकॉज जनाब बड़ी डिस्टॉर्शन होती है। अगला मैसेज जनाब पढ़ लेने हैं। सलाम आज सलाम शाह जी, अल्लाह आपको बहुत लंबी जिंदगी दे और आपका शो इसी तरह चमकता रहे चमकता रहे। अरे इस ये जी मरियम फ्रॉम पिशावर, थैंक यू मरियम। और ये शो चमकेगा तब जब इंशाल्लाह अल्लाह की ख़ास इनायात और आप सबका एक ख़ास प्यार और सपोर्ट और यू नो एक ख़ास अटैचमेंट जुड़ेगी। बहुत शुक्रिया जी। अगला मैसेज है जी, मुझे ये हमारे कहते हैं आसिफ अली फ्रॉम पिशावर, शाह जी ईद मुबारक और काइंडली अपने एड्रेस भेज दें। क्यों जी? अच्छा कहते जी काइंडली अपने एड्रेस भेज दें। गोज जवाने जनाब मनु तुआड़ी मोहब्बत चाहिए जनाब, ठीक है। जितना अगर आपने मुझे याद भी कर लिया है, मेरे से बड़ी बड़ी शहर है कि तुआने मनु याद किया है इस अपने एक यू नो प्राइवेट फैमिली च। बड़ी मेहरबानी जनाब तुआड़ी सारी मुहब्बत दी। अगला मैसेज है, सलाम शाह जी काइंडली कन्फर्म योर शो टाइमिंग्स ताकि हम कोऑर्डिनेट कर सकें। नासिर फ्रॉम पिशावर। नासिर आज का शो 8 से 9 था इंशाल्लाह, ये ईद स्पेशल ट्रांसमिशन है तो इंशाल्लाह कल का शो भी इंशाल्लाह 8 से 9 ही हो सी। मैं उम्मीद करना जनाब तुसी कल भी इस शो नू इंजॉय कर सो। तो असी गल कर सीए कि अज तक अच्छा तीसरा दिन नॉर्मली लोग कहते हैं कि यार बस कुर्बान, लेकिन नहीं, इस मैंने बड़े लोग देखे जेड़े पहले दूसरे थे ईवन तीसरे दिन भी कुर्बानी कर दें ताकि लोग इंगेज रहें। आगे चलने जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, आई एम फारूक खान फ्रॉम लंडी कोतल। आई एम जस्ट एंजॉयिंग योर प्रोग्राम एंड योर कॉम्बिनेशन ऑफ हिंको इंग्लिश एंड उर्दू। अरे थैंक यू सो मच जनाब। मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी ऐसी गल करिए एक बड़े पॉजिटिव नोट पर, एक बड़े अच्छे नोट पर, तो आपस एज अ फैमिली, बिकॉज मैं हमेशा ये गल करना ये शो निगा एक फैमिली है दिल पिशोरी जितने भी लोग हैं जनाब, मैं इन्हों का फैमिली मैंबर हाँ तो ये मेरे फैमिली मैंबर हैं, ठीक है। साड़ी रिश्तेदारी हो गई है, ठीक हो गया, असी फैमिली हो गए आप बच्चे। अगला मैसेज पढ़ने, अस्सलाम वालेकुम, आई एम नादिया खान। शाह जी आपका शो बहुत अच्छा लगता है, आपको ईद की और आपकी अम्मी को, अरे अम्मी नू क्या छोड़ा है, बस मैं खुश हो गया, आपकी अम्मी को ईद की हज़ारों खुशियां मुबारक हो। थैंक यू नादिया एंड कीप सपोर्टिंग दिल पिशोरी एंड कीप सपोर्टिंग शाह जी, ठीक हो गया। अगला मैसेज, सलाम शाह जी, मैं जरवा खान बात कर रहा हूँ, काइंडली अपने शो का टाइम बता, कन्फर्म कर दो। जनाब मेरे शो की टाइमिंग मैं कन्फर्म कर छोड़ी है। ये तुहाड़े सारे मैसेजेस है जेड़े मैं पढ़े ताकि बड़ी मेहरबानी तुहाड़ी, तुहाने अज के दिन भी मनु पता है कोयले मोयले बार पे हो सन, लेकिन बाद भी तुहाने आके मनु एक खास किस्म का प्यार दिता है। जनाब एक मेरा एक मैसेज है जेड़ा इस अज के शो के हवाले मैं कर सा कि जो भी तुसी इस फरीजे नू अंजाम दियो एक दफ़ा इसकी हिस्ट्री जरूर पढ़ना कि उस कुर्बानी दी वजूहत क्या आई हैं, क्यों इश्क खुदा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नू कुर्बान कर देता, या उस सोच नू जरूर पढ़ो ताकि असी आपने आने वाली नस्लों नू बता सकी, ये जज्बा उन्हें उजागर कर सकी। अपना बहुत ख्याल रखो जनाब, कल शाह जी थानू मिलसन एट दिल पिशोरी 8 से 9 बजे। सो अस्सलाम वालेकुम पिशावियो।